क्या आप किसी टाउनशिप में कमर्शियल प्लॉट या शॉप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल्डिको ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है नैनीताल रोड पर, एल्डिको सिटी। कंपनी कमर्शियल प्लॉट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का प्लान कर रही है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कमर्शियल प्लॉट या शॉप में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमर्शियल प्लॉट के अलावा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट में या इंडिपेंडेंट हाउसेज में, तो दोनों ही ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। रेजिडेंशियल जो प्लॉट हैं वो आपको 105 गज से लेके 115 गज तक आपको मिल जाएंगे प्लॉट के साइजेस। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस को देख रहे हैं तो 200 गज में आपको सिंप्लेक्स विला या ड्यूप्लेक्स विला आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनूप खिलाल है फ्रॉम anoopkhilal.com। मैं एक रेरा रजिस्टर्ड रियल स्टेट एजेंट हूँ, बरेली, हल्द्वानी और नोएडा के कुछ सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको इल्डिको सिटी के कंस्ट्रक्शन का जो अपडेट है वो दिखाऊंगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अब इल्डिको सिटी बरेली के मेन एंट्रेंस गेट में, जहां पर फाउंटेन आपको नजर आ रहा है। इसके एंट्रेंस के राइट और लेफ्ट में फाउंटेन आप दोनों तरफ ही आपको नजर आएंगे। अलग अलग डिजाइन के फाउंटेन दिख रहे हैं आपको ये। और पीछे की तरफ जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो बिल्डिंग है SSV इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर। ये देखिए खूबसूरत फाउंटेन, डिजाइनर फाउंटेन। इसके एंट्रेंस में चार चांद लगा रहे हैं ये फाउंटेन, अभी पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा। और ये देखिए एंट्रेंस दिख रहा है आपको, एक एंट्री है और एक एग्जिट नजर आएगी आपको। ये देखिए एंट्री और एग्जिट, और बीच में सिक्योरिटी गार्ड के लिए चैम्बर बनाया हुआ है। अब हम आ गए इनसाइड सोसाइटी के अंदर। अंदर का नज़ारा देखिए आप, ये एंट्रेंस गेट है फ्रॉम इनसाइड। डिवाइडर 60 फीट वाइड रोड, सैंपल हाउस। ये जो सैंपल हाउस है ये 200 गज में बनाया है, ड्यूप्लेक्स हाउस का सैंपल हाउस है। आपको यहाँ पर सिंप्लेक्स भी मिल जाएगा 200 गज में, और ड्यूप्लेक्स हाउसेज भी मिल जाएंगे। फर्स्ट राउंड अबाउट, पहला गोल चक्कर देखिए कितनी खूबसूरती तैयार हो रहा है ये कंस्ट्रक्शन में। आप एक टावर क्रेन का देख सकते हैं इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि काम बहुत तेजी में होता है। मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है, और काम बहुत तेजी में चल रहा है, स्पीड अप हो जाता है। ये विलास के काम चल रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर की छतें पड़ने लग गई हैं विलास में। ये प्लिंथ लेवल में आ चुके हैं विलास, 60 फीट वाइड रोड पर है। और देखिए, हाँ ये जो रोड दिख रही है आपको ये 60 फीट है। ये वाली 40 फीट वाइड रोड आ जाती है, जो लेफ्ट में क्लब हाउस है। और पीछे आपको जो दिख रहा है वो वाटर टैंक का काम चल रहा है, ये क्लब हाउस का काम चल रहा है। नाव अभी हम जो पहुँचे हैं ये है 9 मीटर वाइड रोड पर है ये पूरा कंस्ट्रक्शन। ये देखिए अब हम सेंट्रल पार्क के करीब पहुंच गए, जहां पर वाटर टैंक, यस वाटर टैंक का काम चल रहा है। ऊपर पूरा एक राउंड बनेगा ऊपर, ये पानी की टैंकी है। एंड यहां पर ये देखिए सीवर लाइन और पानी की पाइप्स ऑलरेडी पड़ चुकी हैं। दिस इज 60 फीट वाइड रोड, यहीं पर ही आगे जाके कमर्शियल आ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैं आशा करता हूं को आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाले समय में आपको और वीडियोस अपडेट करता रहूंगा इल्डिको सिटी के बारे में। जैसे जैसे काम का डेवलपमेंट होता रहेगा आपको अपडेट मिलते रहेंगे। उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप तक वीडियो आसानी तक पहुँचती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।